कैसा है? मतलब एक्साइटमेंट है? ठीक है। पहली वाली अच्छी थी? ठीक है। ठीक है, समझ गया। दूसरी वाली देखने में? पहली वाली देखे, मोबाइल में तो देखे ही होंगे ना। अपने जासूसी के कारनामों को अंजाम देने के लिए लास्ट वाला पाकिस्तान पे गया दारा। अरे वो लाहौर वाला जो बोला कि मतलब पाकिस्तान दामाद। कमी जी जस्ट कॉल यार, मेरे कोर्ट में कभी इतना क्राउड आया नहीं, तो आई थॉट लेट्स कैप्चर द मोमेंट। जय श्री महादेव। बोलो बोलो कमी जी। 12:50 की हमारी फिल्म थी और मैं ऑलमोस्ट लेट हो चुका हूँ और पीछे नजदीक में ही आ चुका राजन सिनेमा, तो फटाफट से पहले मैं चलता मूवी देखता हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। 12:50 का टाइमिंग स्टार्ट था, हमारी मूवी आई थिंक स्टार्ट हो गई है और मैं अभी बाहर ही घूम रहा हूँ। वो तो शुक्र है कि मैंने टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी। चलिए देखते हैं आगे कैसा सीन होता है। सो ये रहा हमारा, आई थिंक यही वाला है, नहीं आगे वाला शायद। लास्ट टाइम मैं भी आया था जब पठान मूवी देखी थी हमने। शिट यार, हाँ आगे वाला है, ये वाला है एंड यहीं पे हमारा है शायद, आगे है। फटाफट से चलते हैं यार, फटाफट से क्योंकि ऑलमोस्ट मैं लेट हूँ। पूछते हैं टिकट्स के बारे में, मेरा ऑनलाइन बुकिंग है। डायरेक्ट ऊपर एंट्री गेट पे दिखा दीजिए। थैंक्स। ऑलमोस्ट हम लोग 10 मिनट्स लेट हो चुके हैं। चलिए, बोल रही हैं कि ऊपर जाके आप खाली अपना स्क्रीनशॉट या फिर जो भी है दिखा दीजिए, चल जाएगा, अलाउड। सो दैट इज द राज सिनेमा, वी आर एंटर्ड एंड दिस इज वे। तो फटाफट से हमने क्लियर आउट कर लिया एंड स्क्रीन वन कहाँ पे है ये रहा। This is my seat. It's a crowd. Audio seat. Maximum. So, bhai, finally, हमने अपना first interval clear किया अभी और मैं almost late ही हो गया था, but जब आया तो inside आया तब मैं देखा कि अभी चालू नहीं हुई थी, start नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ad-ad हो गया था और interval ad-ad हुआ था और anthem हो गया था। चलिए कैसी लगी आपको मूवी? अंतिम नहीं गए थे? अरे मेरे को लगा इंटरवल से। अच्छा, हम लोग देखने आए अभी ब्रदर टू। अच्छा, कैसा है? मतलब एक्साइटमेंट है? अच्छा, पहली वाली अच्छी थी? दूसरी वाली देखने आए? पहली वाली देखे, मोबाइल में तो देखे ही होंगे ना। कैसी थी? मतलब गदर टू देखनी है अभी। ये लोग अभी देखने जा रहे हैं, मुझे लगा इन लोगों ने शो देख लिया है। कितने बजे का टाइमिंग आप? 3 बजे का ऑलमोस्ट शो है इन लोगों का। चलते हैं शायद, क्योंकि इंटरवल आई थिंक 10 मिनट्स का होता है ना। हमारी स्क्रीन फर्स्ट ये वाली स्क्रीन थी एंड इसके बाद जो दूसरी मूवी है वो माई गॉड वाली, वो आई थिंक थर्ड स्क्रीन है उधर वाली है। तो सेकंड हाफ कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ कंप्लीट दी मूवी। क्या मूवी? बढ़िया था, मजा आया। हाँ, बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? लास्ट वाला पाकिस्तान पे गया दारा। अरे वो लाहौर वाला जो बोला कि मतलब पाकिस्तान दामाद। कैसा लगा? अच्छा लगा। कोई सीन बेस्ट वाला? हाँ, कंटिन्यूसली सेकंड मूवी है और मैं भूल गया था कि मेरी दूसरी मूवी भी है, तो मैं फिर से जा रहा हूँ ऊपर एंड देखते हैं। टाइमिंग हो चुका है क्लियर, पर चलता हूँ। 4:05 का टाइम था, 4:05 होने ये और मेरे को, मैं भी भूल गया यार क्या से कैसे। शिट, मेरे को फिर से घूम के आना पड़ा 20 मिनट के नीचे पास से। A few moments later, भाई तीसरी मैंने अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद वॉशरूम किया और अभी मिरर में हूँ। चलते हैं अपना दूसरी मूवी कंप्लीट करने, वो NG2। This is our second movie.
ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर आजंस का, और 200 रुपीस का इनका छोटा वाला कोक है, तो मैंने ड्रॉप कर दिया इसलिए नहीं लिया। लोग लगे हैं बट हमने ड्रॉप किया, आई ड्रॉप इट। एंड मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाके खाऊंगा, और टाइम ही नहीं मिला मेरे को एग्जैक्ट कुछ ज़्यादा कंफर्म डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यार बैक टू बैक मूवीज मैंने कंफर्म कर ली थी देखने के लिए अपने। ये इनका मेन्यू है, आई होप कि क्लियर आउट दिख रहा होगा। 200 रुपीज़ की इतनी बड़ी कोक मिल रही है, दैट्स नॉट गुड। एंड अभी इंटरवल हुआ है और फर्स्ट एंड हाफ मूवी हुआ है, और मैं समझ गया कि ये सर्टिफिकेट क्यों मिला है, क्योंकि तो मूवी कुछ उसी टाइप की है। तो फाइनली भाई साहब अपनी मूवी कंप्लीट हो चुकी है। ओ भाई क्या मूवीज थी यार, दोनों मूवी बेस्ट ऑफ बेस्ट थी यार, मजा ही आ गया। एक में फैमिली के लिए है और दूसरे में भी फैमिली के लिए है। दोनों का जो स्टोरी है वो एक बाप बेटे का है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए फ्रेंकी खाने, भूख लगी बहुत जोरों से क्योंकि हमने बैक टू बैक दो मूवीज देख ली ना इसीलिए। तो ये श्याम मंदिर है, सामने आगे वेसु था, वेसु गए थे हम लोग देखने के लिए। दो मेरा हो गया ना? हाँ आपका हो गया, वेरी गुड भाई। सो वी डिड इट, टेस्ट है ऑलमोस्ट स्टोरी अच्छी थी फिल्मों की, बट द थिंग इज दिस गाइस कि दोनों ही खतरनाक थी, मजा ही आ गया। सेकंड मूवी में मैंने पब्लिक का रिव्यू नहीं कर पाया क्योंकि इट्स अर्जेंट, यू कैन अंडरस्टैंड।